बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबरक व तआला के फजलो करम से खैर अफियत से होंगे। आज मैं अल्लाह पाक के एक इस्म आज़म का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये जुम्मा का दिन का वजीफ़ा है। जुम्मा का जो दिन है ये बहुत ही ख़ास दिन है, तमाम दिनों का सरदार है। ये हफ्ते के जो सातों दिन हैं उन सब से ये अफजल दिन है। तो जुम्मा के दिन अल्लाह पाक के इस्म आज़म का यह अमल अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेते हैं तो यकीन कीजिए थोड़ी ही देर बाद इसका मौजा आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। जो भी मांगेंगे वो यकीन कीजिए आपको मिल जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बैठे बैठे आपकी जो मुश्किल है उसको हल कर देंगे। अगर आप रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, अर्जेंट आपको पैसे चाहिए किसी भी काम के हवाले से और आपको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये अमल अगर आप कर लेते यकीन कीजिए बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे अल्लाह पाक को बंदोबस्त आपके लिए कर देंगे कि आप मौजा देकर खुद हैरान होंगे और आपकी आंखों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में बहुत ज़्यादा शिफा है। अल्लाह पाक के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो इसी इंतज़ार में बैठी है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं अपने बंदे को अता करूँ। तो अल्लाह पाक ने हमें कुछ ऐसे अमाल बताए हैं, कुछ ऐसे विर्द बताए हैं जिनको पढ़ कर अल्लाह पाक से मांगा जाए तो फ़ौरन मिल जाता है। अब आपने करना यह है कि यह अमल आप जुम्मा के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। कोई भी नमाज पढ़ने के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। बस आपने जाय नमाज पर बैठकर इस अमल को करना है और आपका जो ध्यान है वो पूरा वजीफे पे होना चाहिए और आपका जो मकसद है वो आपके जहन में होना चाहिए। आपने अल्लाह तबरक व तआला से मांगना है तो आपने जो है आजी और इनकसारी के साथ कोशिश करें कि आपकी आंखों में आंसू आए, क्योंकि अल्लाह तबरक व तआला को यह बहुत पसंद है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे, रो रो कर गिरगिरा कर जो है मांगे और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर मांगे तो मैं उस गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो आपने अव्वल राखर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, क्योंकि दुरूद पाक जो बंदा शुरू में और आखिर में पढ़ता है तो दुरूद पाक पढ़ने की बदौलत से अल्लाह पाक खुश होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबरक व तआला अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब कोई बंदा अल्लाह पाक के नबी से प्यार करता है तो अल्लाह तबरक व तआला भी उससे प्यार करते हैं। तो आपने अव्वल राखर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना, चाहे तीन मरतबा पढ़ लें, चाहे सात मरतबा पढ़ लें, ग्यारह मरतबा पढ़ लें, आपने दुरूद पाक पढ़ने दरमियान में आपने अल्लाह तबरक व तआला के इस नाम को या वहाबू ए बहुत ज़्यादा अता करने वाली जा। इस नाम की फजीलत यह है कि जो बंदा इस नाम को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस बंदे को ऐसी ऐसी जगह से मदद फराहम करते हैं कि जहाँ से उसके वहमों को मान में भी नहीं होता और उसको इतना ज़्यादा देते हैं कि वो बंदा देकर हैरान हो जाता है कि उसको किसी चीज़ की फिर कमी नहीं रहती है। आपने अल्लाह पाक इस नाम को या वहाबू को आपने इस तरह से पढ़ना है, या वहाबू या मुसब्बी बलसबाब, या वहाबू या मुसब्बी बलसबाब, यानी ए बहुत ज़्यादा अता करने वाली ज़ात मेरे लिए असबाब पैदा कर दे। अपने अल्लाह पाक को इस तरह से पुकारने नहीं, या वहाबू या मुसब्बी बलसबाब, या वहाबू या मुसब्बी बलसबाब, या वहाबू या मुसब्बी बल असबाब। आपका जो मकसद है चाहे वो किसी भी हवाले से उसका तस्वुर आपके जहन में हो और आपने इस तस्वीर को पढ़ने, आपने 333 मरतबा, कम अज़ कम 333 मरतबा आपने इस तस्वीर को पढ़ना है। आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बस ये है कि आपका मकसद आपके जहन में हो और पूरी तवज्जो के साथ आप इस अमल को कर सकें। यकीन कीजिए जो भी जहन में होगा वो आपको मिल जाएगा और इस अमल को आपने खुद भी करना है, इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर भी करना है। जो